दोस्तों इस वीडियो में मैच जो कवर करने वाले हैं नेदरलैंड्स वुमेंस वर्सेस नॉर्वेजिया वुमेंस का, जो कि फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा। ये ना फर्स्ट T20 मैच है और इन्वेस्टमेंट के लिए स्मॉल लीग के लिए दोनों के लिए सही रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग के मैचेस है तो कोशिश करना अभी अमाउंट एवरेज करने के लिए। कल एक और मैच है यही, तो आप लोग इन्वेस्ट हाई कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मैच इन्फॉर्मेशन। सिर्फ 6 घंटे बचे हैं मैच स्टार्ट होने में, ज़्यादा टाइम ही नहीं है। तो फाइन टीम के लिए आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको कंफर्म बैटिंग ऑर्डर भी शेयर कर दूंगा, कंफर्म लाइनअप वगैरह सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, सबसे बेस्ट मेथड है। मैं एक लिंक पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स, आप उसके थ्रू आ जाना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक है, आप उसके थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जहाँ पर अभी का टाइम 38,300 से ज़्यादा लोग है, 38,300 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन करके, तो आप भी जरूर से करना। मेरी बात मानो, आप कमेंट सेक्शन के लिंक से आ जाए, लिंक 100% काम करता है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक है। अगर आपको सर्च करना तो सिंपली टेलीग्राम के सर्च बार जाना, सर्च करना F11 Team, चैनल आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे 38,300 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे, तो आप भी जोर से ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे हर एक मैच कवर किया जाता है, हर एक मैच, तो जोर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कमेंट बॉक्स के लिंक सारे लिंक 100% काम करता है, जहाँ पे डेली फ्री विनिंग टीम प्रोवाइड कर देता हूँ, हेड टू हेड 3 मेंबर्स 4 मेंबर्स की, तो जोर से ज्वाइन कर लेना, ऑफिशियल ज्वाइन करना, ठीक है। एंड बात है दोस्तों, ये ना फर्स्ट मैच खेला जाएगा, इस मैच की जो डेडलाइन है 7:30 पर डेडलाइन है, यानी आपको 7 बजे एक्टिव रहना है। बात करते हैं लाइनअप्स, देखो वेन्यू वगैरह मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। मेरे मतलब सेकंड वीडियो है, ठीक है। जब मैंने बोला अपने टीम मेंबर का आप वीडियो दे दो, तो वो मतलब वीडियो दिए, बट वो मतलब कि मेरे पास पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो मैं खुद से सोचा कि आपको वीडियो दे देता हूं। तो मैं मतलब जो प्रो लाइनअप है वो आपको बता देता हूं। ओपन करें टीम, तब से ना विकेट कीपर ओपन करे, बैटे ओपन टीम से ओपन करेगी, टीम से विकेट कीपिंग करेंगे, चुलेटे पोस्ट के साथ ओपन करेंगे, स्टेरिकली जो कि टीम तब से ना फेयर ब्रेक खेल के आ रही टीम से, अच्छी प्लेयर वन रन बैटिंग करेगी टीम में तब से, हालांकि फेयर ब्रेक में ओपन कर रहे थे सोफिया डिवाइन के साथ, ये वही प्लेयर है, अच्छी प्लेयर टीम में दस। उसके अलावा रोमिनी रजिक की जो कि टीम दस से टू रन बैटिंग करेगी, टीम के कैप्टन हैदर सेगर जो कि टीम दस सबसे टैलेंटेड है ना, टॉप ऑर्डर बैटिंग करेगी सबसे पहले, और सब साथ ही साथ कंफर्म 4 ओवर बॉलिंग पाएंगे, इंपॉर्टेंट है कि टीम में दस से, जहाँ तक मुझे याद है ये टीम दस से ना ओपनिंग करती है, टॉप ऑर्डर बैटिंग करती है टीम के तरफ से, मैं एक बार कन्फर्म जोर से करूँगा, क्योंकि बहुत दिन हो चुका है नेदरलैंड के मैचेस कवर किए हुए। उसके अलावा टीम से फेरेडे क्यू ओवरडे जो कि टीम तब से एक अच्छी बॉलर है, उसके अलावा एरोजेंगी की टीम से तब से ये भी ठीक ठाक प्लेयर है, खेलते हैं आपको आ जाएगी, सेंध ने बैटिंग करेगी प्लस टीम से बॉलिंग पाएगी। उसके अलावा चार्लो डे लेंगे जो खेलते हैं आपको आ जाएंगे, मॉरेलस ब्रेड और एवा क्ले एज ले जो कि टीम के सबसे मेन बॉलर है, और उसके अलावा सेलेबेस जो टीम तब से इनके विकेट टेकी प्लेयर हो, विकेट लेना आता है टीम में तब से, और फास्ट पावर प्ले बॉलिंग करती है टीम में तब से, ठीक है। स्लीपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है टीम में तब से। तो ये है नेदरलैंड्स का लाइनअप विद बैटिंग ऑर्डर, हालांकि बैटिंग ऑर्डर नहीं कन्फर्म आपको टेलीग्राम पे करूँगा, ठीक है। अनुवाद करते टॉप ऑर्डर के बैट्समैन, तो मैं बता दूं नेदरलैंड के जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, बैटेड रिलेटेड जो टीम्स विकेट कीपिंग करते, जुलेट पोस्ट टॉप ऑर्डर के बैटमैन, स्टडी क्रेस को सब जानती है टीम में दसें, मिडल ऑर्डर के बैट्समैन है रोविन रिजे के, हैदर सिग्रेस और ओवरडीचेक और इरिस, तो ये टॉप मिडल ऑर्डर के और ये टॉप ऑर्डर के। एंड बात करते इनके बॉलर्स, तो बता दूँ इनके जो बॉलर्स है एरिस जिंगली जो कि इनके सबसे मेन बॉलर्स है, और हैदर सिग्रेस इनके काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर है। उसके अलावा टीम तब से मार्लुस ब्रेट जो कि इंपॉर्टेंट पिक हो सकती है टीम में तब से, ठीक ठाक प्लेयर, एक एवरेज बॉलर टीम में दस। उसके लिए एवेलेज वगैरह भी है, और सिलेबस सेरी जो कि इनके सबसे मेन बॉलर माने जाते हैं, टीम से बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेती, ओवर डिच भी बैटिंग काफ़ी अच्छी कर लेती, तो ये इनके मेन बॉलर्स है। एंड बात करते नॉर्वेजिया का जो कि होनी चाहिए लाइनअप्स, ओपन करेंगे टीम से एडन लेवन जेने ओपन करें टीम में तब से, एक ठीक ठाक प्लेयर ओपन करेगी, अच्छा ट्रिगर्स के साथ ओपन करेगी, वन डाउन कैलेगिन जो कि वन डाउन बैटिंग करते टीम से काफ़ी अच्छी प्लेयर है, वन डाउन बैटिंग, सुनी वेटमैन जो कि टीम में तब से फोर डाउन बैटिंग करेगी। उसके लिए यास्मीन खान ये टीम में तब से ना मिडल ऑर्डर बैटिंग करती है, कभी कॉल फोर डाउन बैटिंग करने आ जाते टीम में तब से एक अच्छी प्लेयर। उसके अलावा वेलिकम मेटली खेलते हैं जब आ जाएगी, उसके लिए सेना पे एड्रीवन ट्रिक खेलते हैं जब जो टीम में दस से ना सेना बैटिंग करेगी। उसके ड्रेड फर्स्ट होकर खेलते हैं जब जो फर्स्ट टीम में दस एक एवरेज प्लेयर है। उसके अलावा टीम के कैप्टन जो कि करंटली बहुत दिनों से फॉर्म में चल ही नहीं रही है, हमने रिसेंट मैचेस हमने कवर किया था उसमें भी नहीं चल रही थी टीम में दस से, 9 किट में अवेलेबल रहती काफ़ी अच्छी प्लेयर टीम में दस से। एनरवेल जेल जो कि टीम दस से कैप्टनसी करती है, बैटिंग ऑलराउंडर टीम दस से, एक मस्टअप ही हो सकता है, हालांकि करंटली फॉर्म में नहीं चल रही, तो ग्रैली टीम ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा सेलेबस सिपो खेलते हैं जब आ जाएंगे, और विक्टोरिया हेमिले, तो ये है नॉर्वेजिया वुमेंस का लाइनअप्स। बात करते हैं टॉप ऑर्डर के बैट्समैन, तो इनके टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन है एडलवैन जेन जो टीम से टॉप ऑर्डर बैटिंग करे, अल्स्टा ड्रिगस्ट और साथ ही कैलेग्री जो कि टीम से विकेट कीपर है, लेकिन विकेट कीपिंग नहीं करती है इस मैच के लिए, विकेट कीपिंग नहीं करेगी, यास्मीन खान विकेट कीपिंग करेगी, और कैलेग्री बॉलिंग भी पा लेती है, रिसेंट मैचेस आपको याद हो हमने जब कवर किया था। तो उसके लिए मिडल ऑर्डर बैट्समैन सोनी वेटमैन, यास्मीन खान, विका वेटलेट और साथ ही साथ टीम से मेरवे, तो ये इनके मिडल ऑर्डर के बैट्समैन। एंड बात करते हैं बॉलर्स, तो बता दूँ
विल्का जो कि टीम द सिडनी मेन बॉलर से, कैलेग्रीन जो कि मैंने आपको बोल चुका हूँ कि एक टीम से विकेट कीपर है और विकेट कीपर ऑलराउंडर है टीम द से। आपको याद होगा रिसेंट मैचेस हमने जब कवर किया था, फोन ने बैटिंग करने आ रही थी, बॉलिंग भी पा रही थी, अच्छी प्लेयर टीम द से। सोनी वेटमैन है जो कि बॉलिंग पा लेती है टीम द से, और जो मेन बॉलर है विक्टोरिया हमिली जो कि टीम के मेन बॉलर है सबसे। तो ये इनका बॉलिंग लाइनअप्स। बात करते सीधा सीधा प्लेयर वाइज एनालिसिस की, वीडियो को सबसे मेन पार्ट है। देखो अभी मैं आपको ज़्यादा कुछ तो बता नहीं रहा, लेकिन हाँ ज़्यादा टाइम ही नहीं, मैच स्टार्ट होता है तो टेली जहाँ पे एक्टिव रहना, जहाँ पे आपको कंफर्म बैटिंग ऑर्डर भी शेयर कर दूँगा, विनिंग टीम भी प्रोवाइड कर दूँगा। आपको पता है कोई हम फर्स्ट टाइम तो एक मैच कवर नहीं कर रहे, अभी स्टार्टिंग मैचेस से, तो कल भी एक मैच है, तो अभी ये जो फर्स्ट मैच है कम इन्वेस्ट करना। अगर बात करते प्लेयर वाइज एनालिसिस की, वीडियो को सबसे मेन पार्ट है, अभी आप वीडियो को आखिर तक देखना ठीक है। कैप्टन स्क्रिप्ट में आपको बता दूँगा। बात कर विकेट कीपर सेक्शन से लेकर उससे पहले दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब को ऑन ऑल पर सेट कर दीजिए, आने वाले वीडियो से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बात विकेट कीपर से, देखो दो सबसे बेटर ऑप्शन है, डी फॉरेस्टर भी है, बट कुछ खास दो सबसे बेटर ऑप्शन है विडले लेड और साथ ही साथ यासमीन खान। एक मिनट कन्फर्म कर ले, नहीं तो यासमीन खान टीम से अच्छी प्लेयर है, हालांकि टॉप ऑर्डर बैटिंग करेंगे विडले लेड जो टीम से टॉप ऑर्डर बैटिंग है, लेडर टीम से ठीक ठाक प्लेयर है, कवर कर सकते। उसके अलावा स्टेरी कैलिस, ये टीम की तरफ से ना फेयर ब्रेक खेल के आ रही है, सोफेड के साथ ओपन कर रही थी, अच्छी प्लेयर टीम की तरफ से। आर जी का इंपॉर्टेंट ऑप्शन है टीम की तरफ से। उसके अलावा एवे जेल जो कि टीम की तरफ से एक एवरेज प्लेयर, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, जे पोस्ट वगैरह साइड रखते हैं, नीचे देखो तो कुछ खास है टॉप के, मतलब एक ही अच्छे ऑप्शन है, जेल को कवर कर लो। उसके अलावा हैदर सिग्नेस इंपॉर्टेंट है, सोनी वेटमैन, ये ना टीम तरफ से याद आया मुझे, टीम तरफ से ना कुछ मैचेस में अगर आप इनका लास्ट मैच देखो तो इसमें टीम तरफ से ना बैटिंग बॉलिंग दोनों ही कर रही थी, और यही मतलब ये वही प्लेयर जिसमें हम सी बी सी इनके साथ जा रहे थे, जो शायद मैच था नाविविया वुमेंस वर्से हॉन्गकॉन्ग वुमेंस का, याद आया, उसमें टीम से काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रही थी, तो एक मस्टर पिक होनी चाहिए। उसके अलावा ज्यूलिंग जो कि टीम तरफ से एक भी ठीक ठाक ऑप्शन है, के ग्रीन, आपको याद होगा जब मतलब जब पहले मैचेस से इनके थे नाविविया के, तो ये विकेट कीपर सेक्शन में रहा करती थी टीम की तरफ से, अच्छी प्लेयर है, फोन है बैटिंग प्लस बॉलिंग ही पाती हुई अच्छा अमाउंट है। ओवर डिच जो कि ये भी काफ़ी अच्छी प्लेयर, बट मैक्सिमम चार ऑलराउंडर्स के साथ जा सकते थे, ओवर डिच को साइड रखते, हालांकि अच्छी प्लेयर है, तो चार जो टॉपर्स के कवर कर लो कि चारों इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एवर्टली जो कि इंपॉर्टेंट है, टीम से एक्सपीरियंस प्लेयर है। उसके लिए आईवे जेल जो कि कैप्टनसी करी कवर करके चला। उसके अलावा 8 पॉइंट मेरे पास 8.5 किट बचता है, देखो 8.5 किट वगैरह तो हम कवर तो करना चाहता हूँ, एक मिनट इसको साइड रखते हैं, तो मैं कवर करना चाहूँगा एस सिग्नेस जो कि ये भी काफ़ी अच्छी प्लेयर है, इनके साथ जा सकते हो, सीढ़ी लेंगे भी है बट कुछ खास नहीं, इवा लेज भी ठीक ठाक है, और इसके अलावा वी हम ये काफ़ी अच्छी प्लेयर है, 9 किट पहले रहा करती थी, तो आप इनके साथ भी जा सकते हो, कोई सिर्फ 2 पर सिलेक्शन है बट अच्छी प्लेयर जोर से। तो ओवरऑल मेरी टीम बन चुकी है स्मॉल लीग के लिए, हालांकि कम ही अमाउंट इन्वेस्ट करना अभी के लिए, कैप्टन हालांकि देखो अभी टीम जाओ तो एसी पो को ट्राई कर सकते हो, बट ज़्यादा बड़ी प्लेयर नहीं है, जिस हिसाब से इनका 90% सिलेक्शन है ठीक है, बट उतनी भी बड़ी नहीं है। सबसे बेटर ऑप्शन या फिर एम वेटली जो टीम से इंपॉर्टेंट है, ठीक है वेटली इंपॉर्टेंट है कि टीम में तरफ से, उसके कैप्टन एफ एस सी वी सी का गेम आता है। देखो मुझे ना चार सबसे बेटर ऑप्शन लग रहे हैं, हालांकि है ये पर उतना मतलब मुझे लगता है अगर विकेट इनका चांस मतलब कि मिलेगा लेकिन ज़्यादा रन इसको नहीं कर पाएगी, तो मुझे चार सबसे बेटर ऑप्शन है चारों ऑलराउंडर्स है। पहला मुझे सोनी वेटमैन जो कि मुझे याद है टीम तरफ से टॉप ऑर्डर बैटिंग करी तो ओपन करने आ रही थी, चाहे तो मुझे याद है। उसके अलावा के ग्रीन फोन ने बैटिंग करी थी, बॉलिंग ही पा रही तो भी अच्छा अमाउंट है, 3 से 4 बॉलिंग पा रही थी उस सीरीज भी, याद होगा आपको। उसके अलावा हैदर सिग्नेस, मैं फिलहाल की कैप्टन प्रीफेर करूँगा सोनी वेटमैन है, कैप्टन प्रीफेर करूँगा लेकिन अभी के लिए सेफ जा रहा हूँ, क्योंकि कंफर्म कर एक बार टेलिंग पे भी जोर से करूँगा बैटिंग ऑर्डर। फिलहाल के हैदर सिग्नेस से कैप्टन जा रहा हूँ, वाइस कैप्टन सोनी ग्रीन के साथ, सॉरी सोनी वेटमैन के साथ जा रहा हूँ आप। उसके अलावा के ग्रीन को भी ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी मैं स्मॉल ही खेलूँ, आप सेम टीम के साथ जा सकते हो इन्वेस्टमेंट करने, या फिर सी वी सी को स्वैप भी कर सकते हो, अभी आप सेम टीम के साथ जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन एक बार कन्फर्म आपको मैं टेलिंग पे जोर से करूँगा, ठीक है एक बार कंफर्म जोर से कर लेना बैटिंग ऑर्डर, क्योंकि ना सोनी वेटमैन कुछ मैचेस ओपन कर चुकी है लास्ट में, जनरली ओपनिंग करती है, और के ग्रीन फोन ने बैटिंग कंफर्म है, 3 से 4 बॉलिंग पाती है, अच्छे अमाउंट में बॉलिंग करती है। उसके अलावा आई ज्यूलिंग जो कि टीम था सिर्फ बैटिंग से नहीं, बैटिंग से होप मत करना, बॉलिंग से होप करना, तो इस टीम के साथ अभी जा सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने, कोई चेंजेस होगा डेफिनेटली, कोई ना कोई चेंजेस तो मैं जोर से करूँगा, ठीक है, कोई अपना ट्रम्प कार्ड के लिए भी यूज़ करूँगा, तो उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम पे करूँगा, कन्फर्म बैटिंग ऑर्डर वगैरह सब कुछ डेडलाइन से 15 मिनट पहले शेयर कर दूँगा, जो भी अपडेट्स वगैरह है आप कुछ शेयर कर दूँगा टेलीग्राम पे, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, बाकी डेली विन तो हम लोग कर ही रहे, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, और ऑफिशियल टेलीग्राम चाहिए जो जहाँ पर 38,300 से ज़्यादा लोग है, 38,300 से ज़्यादा लोग है।